जीतने वाली प्रथम महिला हैं। पद्म भूषण गगन नारंग, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाईचंद भूतिया, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के विजेता श्री श्रीकांत, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री अनुप कुमार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सितारे श्री इरफान पठान, श्री पार्थिव पटेल, चेतेश्वर पुजारा और जयदेव उनड़कट। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज गुजरात के प्रवासन व खेलकूद क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। टी बॉक्स टेक्नोलॉजी संचालित स्टेडियम में 4000 की बैठक व्यवस्था बहुत ही कम समय में 20000 की बैठक व्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि खेलेगा गुजरात जीतेगा गुजरात, ऐसे खेल महाकुंभ 2017 का भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वरहस्तों शुभारंभ करवाया जाएगा। आज के इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के राष्ट्र सूक्त के मंत्रोच्चार के साथ प्रस्तुत करेंगे श्री कृष्ण आश्रम वैदिक पाठशाला मोड़ासा के गुरुजी व ऋषि कुमार। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे फाउंडर चेयरमैन ट्रांसस्टेडिया श्री हरीश सेठ और साथ में एमडी ट्रांसस्टेडिया श्री उदित सेठ जो उनके सुपुत्र हैं। इस ट्रांसस्टेडिया के निर्माण में अपने पिता से वे बहुत ही ज्यादा प्रेरित हैं। गुजरात सरकार की ओर से स्वागत करेंगी पंचमहाल जिले की आर्चरी खेल वीरांगना प्रेमिला बारिया, जिन्होंने फोर्थ सोल इंटरनेशनल जूनियर आर्चरी कंपटीशन 2016 में भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का स्वागत करेंगे ट्रांसस्टेडिया के प्रेसिडेंट श्री श्वेतल वकील। और साथ ही गुजरात सरकार की ओर से देश की नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सभी का स्वागत करेंगे हमारी खेल वीरांगनाएं। साथ में टाइक्वांडो चैंपियनशिप में कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व जिसने किया ऐसी आयुषी गोदाणी और इलावेनिल वलरीवन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल संस्कार धाम की विद्यार्थिनी हैं, आज ही जर्मनी से वे लौटी हैं वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करके आप लौटी हैं। स्वागत करते हैं मंच पर हमारे खेल वीरों का। माननीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल दौरान गुजरात को खेलकूद क्षेत्र में सक्रिय बनाने का संकल्प आज इस स्टेडियम का जो विचार बीज था वो पल्लवित स्वरूप में प्रकट हुआ है। गुजरात में 2010 से आपने खेल महाकुंभ का प्रारंभ करवाया जिससे कई युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को अवसर, शिक्षण, प्रशिक्षण, सहाय प्राप्त हुए। खेलेगा गुजरात जीतेगा गुजरात के मंत्र को आत्मसात करते खेल महाकुंभ 2017 का भी आज शुभारंभ होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के वरदहस्तों। भारत के खेलकूद क्षेत्र को एक नई पहचान देने के हेतु से उदित सेठ ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ट्रांसस्टेडिया की स्थापना की और अहमदाबाद के इस मणिनगर क्षेत्र में ट्रांसस्टेडिया ये प्रथम विश्व कक्षा के स्टेडियम का प्रोजेक्ट 31 महीने में संपन्न किया। 2017 के चाणक्य अवार्ड फॉर अचीवमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से सम्मानित उदित सेठ को आमंत्रित करते हैं आपके स्वागत संबोधन के लिए।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पूज्य पिताजी और मंच पे बैठे सभी महानुभावियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबका ट्रांसस्टेडिया में भी स्वागत करता हूं। वो कहते हैं कि तलवार से ज्यादा जोर कलम में होती है। जब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने एक खत 7 साल पहले अपने प्रधानमंत्री जी को भेजा था, तब उन्होंने कहा, वाह, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट की हमें यहाँ पर परमिशन मिली, तो ये 14 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन, जहाँ 16 स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स अकेडमीज, हाई परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें एक छत के नीचे हो, वो हमने 31 महीने में खत्म किया। वेम्बली स्टेडियम साल में 40 दिन यूटिलाइजेशन होता है। इस स्टेडियम का 300 दिन से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टेडियम इन द वर्ल्ड। आज मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह सके कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक सीएसआर एक्टिविटी ना रहे, लेकिन स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री भी बने, एक सनराइज इंडस्ट्री बने। और मैं ये उन्हें वादा करता हूं कि हम एक स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बॉडी भी लॉन्च करेंगे, जो स्पोर्ट्स के लिए हमें आगे ले जाए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि इस प्रोजेक्ट को बनाओ और उसे शुरू करो। खास करके अपने प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उनकी विजन के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं होता था। मैं खास करके अपने पिताजी का धन्यवाद करता हूं। अगर उन्होंने मुझे ये हौसला नहीं दिया होता, तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता। इसी के साथ आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, और ये दुनिया में एक ही स्टेडियम होगा जहां प्रधानमंत्री जी आए और उसका उद्घाटन किया। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आप सबको वादा करता हूं कि ट्रांसस्टेडिया जैसा प्रोजेक्ट हम इस देश के हर एक सिटी में करेंगे और इंडिया के लिए मेडल जिताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद उदित जी। प्रत्येक जन तक खेलकूद के अवसर तथा संसाधन उपलब्ध करवाने के उम्दा हेतु से 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल महाकुंभ का प्रारंभ करवाया। आइए देखें खेल महाकुंभ की विस्तृत जानकारी देती एक फिल्म, खेल महाकुंभ द गेम चेंजर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोह पुरुष सरदार की कर्मभूमि को विकास की ओर अग्रसित करके आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है गुजरात। अब आगे बढ़ रहा है गुजरात खेलकूद में भी। आज गुजरात की पहचान है जलपरी माना पटेल, 35 नेशनल रिकॉर्ड्स होल्डर, आदिवासी डांग जिले के एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मुरली गावित, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2 गोल्ड विजेता हरमित देसाई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटा उदयपुर की आर्चरी प्लेयर पायल राठवा, आज देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना भी गुजरात की खेल संपदा का ही रत्न है। गुजरात की इस पहचान को तराशा है विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2010 में करी एक अनोखी शुरुआत खेल महाकुंभ। जब तक खेल हमारी रगों में नहीं होता है, तब तक खेल दिली आने की संभावना नहीं होती है। और इस खेल महाकुंभ के प्रयास के माध्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, जिला, शहर और गांव स्तर के 30 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और प्रतिवर्ष 40 करोड़ के कैश प्राइजेस प्राप्त करने का अवसर। अब एक झलक सरकार के अन्य प्रयासों की। सर्वप्रथम खेलकूद का बजट
2009 के 26 करोड़ के मुकाबले 2017 में हुआ 460 करोड़। खेल महाकुंभ से चुने गए 2400 खिलाड़ियों को पीपीपी मॉडल से 24 प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्च द्वारा शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण। इन स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत 1,00,000 से अधिक खिलाड़ियों को तालीम। प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 1400 खिलाड़ियों को 65,000 रुपयों की वार्षिक सहायता। स्पोर्ट्स आइकन के मार्गदर्शन में 750 खिलाड़ियों के लिए रेसिडेंशियल एकेडमीज की शुरुआत। विशिष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय तालीम के लिए शक्ति दूत योजना के अंतर्गत प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 25,00,000 तक की सहायता। सबका साथ सबका विकास। दिव्यांगों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना एक और अनोखी शुरुआत। खेल महाकुंभ ने पहचाना एक छोटे से गांव सरखड़ी को, जिसने दिए 48 नेशनल मेडलिस्ट महिला वॉलीबॉल प्लेयर, और दूसरे गांव सांपरा महादेवपुरा से 27 महिला फुटबॉल खिलाड़ी। 1985 से 2011 के 26 वर्षों के अंतराल में नेशनल गेम्स में गुजरात के नाम थे सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स, और 2015 के एक ही वर्ष में केरला नेशनल गेम्स में 10 गोल्ड मेडल्स जीतकर गुजरात 28वें स्थान से सीधे पहुंचा 9वें स्थान पर। नेशनल स्कूल गेम्स में भी गुजरात की ऊंची उड़ान, 10 स्थान से उठकर पहुंचा 6ठे स्थान पर। गुजरात को 2016 में मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम खेलो इंडिया 2016 में गुजरात देश भर में प्रथम रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि गुजरात अव्वल नंबर पे आया। गुजरात में स्पोर्टिंग कल्चर का वातावरण निर्माण हुआ और अब गुजरात तैयार है ओलंपिक के लिए। रमसे गुजरात, जिससे गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। और अब आज के इस अवसर पर आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप टैबलॉइड पर बटन दबाकर इस खेल महाकुंभ 2017 के मोबाइल ऐप को लॉन्च करें। सचिव श्री खेलकूद युवा सांस्कृतिक विभाग श्री वीपी पटेल टैबलॉइड प्रस्तुत करेंगे। खेल महाकुंभ 2017 मोबाइल ऐप का विधिवत लॉन्च हो चुका है, जिसे डाउनलोड करके आप खेल महाकुंभ 2017 में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। आज ही के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के वरदहस्तों गुजरात के शक्तिदूत खेल वीरों को चेक और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। आमंत्रित करते हैं श्री मुरली गावित की अनुपस्थिति में उनकी माता जी रखमी बहन गावित को कि आप ₹5,00,000 की धनराशि का चेक व स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी के वरदहस्तों स्वीकारें। कमरबंद डांग जिले के मुरली गावित जुलाई में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कैंप में व्यस्त होने की वजह से आज यहां उपस्थित नहीं रह पाए। आपने 17th एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 वियतनाम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अहमदाबाद के बिलियर्ड्स शक्तिदूत रूपेश शाह को अब आमंत्रित करते हैं। रूपेश शाह, जिन्होंने 2007, 12 और 14 के 3 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन में 16th एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, आपको आज ₹2,00,000 की धनराशि का चेक व स्मृति चिन्ह प्राप्त हो रहा है। और अब आमंत्रित करते हैं
फ्लोर हॉकी के दिव्यांग शक्तिदूत वाजाजी ठाकुर को जो प्राप्त कर रहे हैं रुपए 2 लाख की धनराशि का चेक और स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों। पाटन जिले के जूना मोका गांव के वाजा जी ने ऑस्ट्रिया में वर्ल्ड विंटर गेम्स 2017 के स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय टीम के सभ्य हैं जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अब आमंत्रित करते हैं चेतना वाड़ा को गिर सोमनाथ जिले के बहुत ही छोटे से गांव सरखड़ी की है चेतना वाड़ा जो वॉलीबॉल खेल की शक्तिदूत हैं। आप प्राप्त करती हैं रुपए 2 लाख की धनराशि का चेक और स्मृति चिन्ह। आपने अभी ही 7 दिन पहले चाइना में ब्रिक्स गेम्स 2017 में भारतीय अंडर 20 वॉलीबॉल टीम का कप्तान पद संभाला था। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जो राज्य के युवा धन के सामर्थ्य को लेकर गुजरात को एक फास्ट ट्रैक स्टेट न्यू गुजरात नया गुजरात बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण में योगदान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, ऐसे प्रगतिशील गुजरात के कर्मशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। जेमना कर कमलों थी ट्रांसस्टेडिया स्टेडियम नू आज उद्घाटन थयू छे अने खेल महाकुंभ एमनो आज थी प्रारंभ करायवो छे। एवा भारतना 125 करोड़ लोकोना हृदय सम्राट अने विकास पुरुष भारतना वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी मंच पर उपस्थित साथी मंत्री श्री गणपत भाई वसावा श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी अमदावादना मेयर श्री गौतम भाई शाह सांसद श्री परेश भाई सांसद श्री क्रीट भाई ट्रांसस्टेडियाना सर्जक चेयरमैन श्री हरीश भाई उदित भाई मंच पर बिराजित गुजरात नु नाम जेमने रोशन कर्युं छे एवा तमाम खिलाड़ी भाइयों बहनों उपस्थित वाला भाइयों ने बहनों आ ट्रांसस्टेडिया भारत में सौ प्रथम एक आधुनिक उपकरणों थी सज्ज अने खिलाड़ियों ने तैयार करवा खिलाड़ियों ना शारीरिक सक्षम बनावा अने रमतों माटेनी बधी व्यवस्था मैचों पण थाय अने ट्रेनिंग पण थाय एवा ट्रांसस्टेडिया ए स्टेडियम नी कल्पना आदरणीय नरेंद्र भाई आईपी अने उदित भाई अने हरीश भाई ए साकार करी। आजे आपने गौरव छे के भारत मां आवुं श्रेष्ठ स्टेडियम आपणे गुजरात नी धरती उपर अमदावाद नी धरती उपर नरेंद्र भाई ना मार्गदर्शन थी अपने अहीं सर्जन करी शक्या छे। नरेंद्र भाई नी कल्पना शक्ति अने एना आधार उपर जे सर्जनो थया छे जेम के महात्मा मंदिर दांडी कुटीर स्वर्णिम संकुल रिवर फ्रंट आ ट्रांसस्टेडिया
આવા અનેક સર્જનો કે જે લોકોએ કલ્પના ન કરી હોય અને એવા સર્જન નિર્માણ થયા છે એ નરેન્દ્રભાઈની દીર્ઘદ્રષ્ટિનું એમની કલ્પના શક્તિનું આ એક પરિમાણ છે. મિત્રો, આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત એ સ્પોર્ટ્સમાં પણ પાછળ ન રહે, ગુજરાતીઓ પણ સારી રીતે બધી રમતો રમી શકે છે એ નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલા ખેલ મહાકુંભ અને એના ભાગરૂપે આજે ગુજરાતમાં અલગ અલગ રમતોમાં ગુજરાત નંબર મેળવ્યો છે. ખેલે ભારતમાં આજે ગુજરાત પ્રથમ નંબરે આવ્યું છે અને એવી જ રીતે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ ત્યારથી માંડીને ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં પણ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાતના યુવાનો યુવતીઓ આજે નંબર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં રાજ્ય સરકાર રમત ગમતમાં આપણે પાછળ ન રહીએ અને ખેલે ગુજરાત જીતે ગુજરાત એ નારા સાથે જે કરવું પડશે એ બધું કરવા ગુજરાત સરકાર ખેલાડીઓની સાથે રહેશે અને ખેલાડીઓને જે રીતે શાંતિ એવોર્ડ આપણે આપીએ છીએ એ એવોર્ડના આધાર ઉપર એક એક ખેલાડીને આગળ વધવા 20 લાખ 25 લાખ જેવી માતબર રકમ આપીને ગુજરાતનો ખેલાડી એ વિશ્વ સ્તરે ભારતનું અને ગુજરાતનું નામ રોશન કરે એ માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે અને આવનારા દિવસોમાં વધુ ને વધુ પ્રાઇવેટ પાર્ટનરો સાથે સારામાં સારા સ્ટેડિયમો, સારામાં સારી સગવડતાઓ સાથે ગુજરાત રમતગમત ક્ષેત્રે પણ નંબર 1 રીતે આગળ વધે એમાં આપણે સૌ યોગદાન આપીશું અને માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શન નીચે હજુ પણ ગુજરાત આગળ ને આગળ વધશે તેવી આપણે અહીંથી વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય છે. સૌનો આભાર. નરેન્દ્રભાઈ સમય આપીને આપણા ગુજરાતમાં આ અદ્યતન સ્ટેડિયમના લોકાર્પણમાં આપણી લાગણીને માન આપીને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ગુજરાત સરકાર એમનો ઋણ સ્વીકાર કરે છે, આભાર માને છે. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આપના પ્રેરણાદાયી સંબોધન માટે. સદા નવીના રચના પ્રવીણા કાર્યેશ્વદિના જનકાર્ય લીના સંસ્કૃત કવિવર હર્ષદેવ માધવને જિનકી પ્રશંસા મેં યે લિખા એસે નઈ રચનાઓ મેં પ્રવીણ કાર્યશૈલી મેં સમૃદ્ધ લોક કાર્ય મેં લીન માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જો પ્રધાન સેવક કે રૂપ મેં સત્તા કો સેવા કા માધ્યમ બનાકર સબકા સાથ સબકા વિકાસ કે મંત્ર કો સાકાર કરને કે લીએ સંકલ્પબદ્ધ હૈ. ભારતીયો કી આશા અપેક્ષા વિશ્વાસ ઓર સકારાત્મકતા કે પ્રતીક એસે સ્વચ્છ ભારત ડિજિટલ ઇન્ડિયા સુગમ્ય ભારત સ્કિલ ઇન્ડિયા કે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી નરેન્દ્ર મોદીજી કો આઈએ જોરદાર તાલીઓ કે સાથ આમંત્રિત કરતે હૈ આપકે સંબોધન કે લીએ. મંચ પર બિરાજમાન ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન વિજય રૂપાણીજી, સભી વરિષ્ઠ મહાનુભાવ ઓર ઇસસે ભી જ્યાદા મહત્વપૂર્ણ હિન્દુસ્તાન કા રામ રોશન કરને વાલે મેરે સારે ખિલાડી મિત્ર,
जो लोग इस इलाके से परिचित है दस साल पहले ये कांकरिया कैसा था, ये डेयरी का टूटा फूटा जर्जरित एक इमारत और ज्यादातर कुत्ते आकर के घुस जाते थे, ऐसी वीरान बंजर अवस्था में पड़ा था। अगर सपने देखने का सामर्थ्य हो तो दुनिया कैसी बदलती है वो यहां पर के देख सकते। खेल जगत के जितने भी लोग आज यहां आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाद में इस पूरे स्टेडियम की सारी फैसिलिटी देख करके जाएं और औरों को भी आप प्रेरित करें कि अब हिंदुस्तान में भी वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। मुझे जब भी हमारे देश के खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, मैं उनसे जुड़ जाता हूं, उनसे बड़ी प्यार से बातें करता हूं, उनसे सुनता हूं। मैंने कभी मेरे देश के खिलाड़ियों के हौसले में कमी नहीं पाई है, उनके परिश्रम में कमी नहीं पाई है। कठिनाइयों के बीच भी दुनिया के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए जी जान से जुटने के उनके इरादों में कभी कमी नहीं पाई है। लेकिन कठिनाई ये है कि हमारे पास सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी है, ये पूरा न्यू इंडिया मेरे सामने है, पूरा न्यू इंडिया। लेकिन हमारी सोच, आप हैरान होंगे, मैं इन खिलाड़ियों से तो मैंने पूछा नहीं है लेकिन इनको तो अनुभव आया होगा, अगर विमान में जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं तो लोग उनको पूछते होंगे परिचय हुआ क्या करते हो, तो ये कहेगा मैं नेशनल गेम खेलता हूं, कोई कहेगा मैं इंटरनेशनल गेम खेलता हूं, तो अगला क्या सवाल आएगा मालूम है? अगला सवाल इनको पूछते हैं, भाई तुम खेलते हो, नेशनल खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, करते क्या हो? यानी खेलना ये भी देश की बड़ी सेवा है, जीवन में कैरियर का रास्ता है, ये हमारे देश में किसी के गले नहीं उतरता है। इन सबको अनुभव होगा, वो कहेगा मैं रेस खेलता हूं तो पूछते अच्छा खेलते हो लेकिन और क्या करते हो? सीमा पर जो जवान खड़ा रहता है और कोई उनको पूछे तुम क्या कर रहे हो तो कहेगा मैं सीमा पर जवान के तरह खड़ा रहता हूं, और फिर कोई उसे पूछे लेकिन आप काम क्या करते हो तो उससे बड़ा दुर्दैव क्या होगा? मेरे खिलाड़ियों के साथ भी समाज के अंदर यही होता रहता है। और समाज में नहीं परिवार में भी ये लोग भी जब शुरुआत की होगी तब घर में सब कहते होंगे बस खेलते ही रहोगे कि कुछ पढ़ाई करोगे, कुछ पढ़ना लिखना करना है कि नहीं करना है, सुबह होता ही निकल जाते हो। और कुछ लोग तो फुलेला गोपीचंद को भी कहते होंगे, कह रहे भाई तू मेरे बच्चों की जिंदगी मत बिगाड़। हमारे देश में ये माहौल है, ये माहौल मुझे बदलना है। खेल व्यक्ति के जीवन में तो
कई ऊंचाइयों पाने का अवसर बन चुका है, लेकिन उन खिलाड़ियों के माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपना माथा ऊंचा करके दुनिया के सामने जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में वहां के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं भाषण में देता हूं, 5-5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं अगर उस देश के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं उस देश में बोलता हूं। अभी मैं पुर्तगाल में था 2 दिन पहले, वहां के फुटबॉल के प्लेयर को मैंने याद किया, सारा माहौल बदल गया, तालियों से माहौल गूंजने लग गया। खिलाड़ियों के प्रति ये सम्मान, ये आदर, ये हमारे देश की परंपरा होनी चाहिए, हमारे परिवार की परंपरा होनी चाहिए, हमारे देश की ये सामाजिक विरासत के रूप में पनपना चाहिए। व्यवस्थाएं भी विकसित होनी चाहिए। आज मुझे खेल महाकुंभ उस कार्यक्रम के लॉन्चिंग के ऐप का लोकार्पण करने का अवसर मिला। जरूरी नहीं है कि हर कोई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, लेकिन खेलने से जिंदगी की कुछ मजा और होती है दोस्त। खेल जीना सिखाता है, खिलाड़ी के जिंदगी से एक बात हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, हम राजनेताओं को ज्यादा कहते हैं कि विजय पचाना सीखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है खिलाड़ियों ने पराजय को कैसे जी सकते हैं, ये खिलाड़ी के अंदर ताकत होती है और वही उसको विजय का रास्ता तय करके देती है। ये सामर्थ्य खेल जगत में से आता है, खेल के मैदान से आता है। हर पल जय पराजय का खेल रहता है और जिंदगी में जय पराजय को ही खेल बना करके जी लेना, ये भी तो जीवन का बड़ा सौभाग्य होता है जो इन खिलाड़ियों के सौभाग्य में होता है। हमें व्यवस्थाएं भी विकसित करनी है। खेल महाकुंभ पिछली बार 30 लाख लोग गुजरात में खेल के मैदान में उतरे। ये जरूरी नहीं है कि सब चैंपियन होंगे। अगर खेल चलता है तो बगल में जाके तालियां बजाने से भी खिलाड़ी की ताकत बढ़ती है दोस्तों, उसको हिम्मत मिलती है, उसका हौसला बुलंद हो जाता है। खेल एक स्वाभाविक कल्चर बनना चाहिए और इसलिए खेल महाकुंभ जब शुरू किया, आज इतने कम समय के अंदर गुजरात, वरना गुजरात के लोग खेल और गुजरात, ये किसी के दिमाग में फिट ही नहीं होता है। गुजराती याने स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए तो जेब में 2 पेन लेके जाता है और शाम को आते आते 1 पेन बेच करके आता है, उसकी रगों में व्यापार होता है। वो कोई भी नई चीज ले जाएगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा और बेच करके आएगा। उस गुजरात के अंदर इतनी खेल प्रतिभाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। 25 साल में गुजरात को 10 गोल्ड मेडल मिले, 25 साल में 10, और ये खेल महाकुंभ का परिणाम है कि 1 साल में गुजरात 10 गोल्ड मेडल लेकर के आ गया। और अब हर शहर को, हर जिले को खेलकूद के लिए आवश्यक मैदान तैयार करना, कोचिज लाना, अच्छे अपने स्टूडेंट तैयार करना, स्कूल में कल्चर बनाना, ये धीरे धीरे उसमें से परकोलेट होने वाला है।
और जैसे गुजरात में हमने खेल महाकुंभ किया, अब पूरे देश में खेले इंडिया का हम अभियान चलाने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों लोग खेले, और खेल ही है जो जिंदगी को खिलने के लिए अवसर देता है। और इसलिए आज जब मैं स्टेडियम को मैंने देखा, क्योंकि मैं प्रारंभ से इससे जुड़ा रहा इसलिए हर पल का पता था, लेकिन देखने के बाद मुझे लगा कि, और मैं उदित को कहूंगा कि पूरे दिन में आधा घंटा एक घंटा स्कूल कॉलेज के युवकों को स्टेडियम का टूर कराने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। गुजरात सरकार ने भी स्टूडेंट्स को इस स्टेडियम देखने के लिए लाना चाहिए। जब वो देखेंगे तो पता चलेंगे कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, खेल के पीछे कितनी बड़ी ताकत लगती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी खेल में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, खेल जगत के लोगों के लिए खान पान पर कितने प्रतिबंध होते हैं, कितनी मर्यादाएं होती हैं। मुझे याद है हमारा पार्थिव, हमारे मित्र का बेटा है तो बचपन से हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, उसके चाचा पार्थिव अच्छा क्रिकेटियर बने, सुबह 4 बजे स्कूटर पर इस बालक को लेकर के उसके चाचा लगातार स्टेडियम जाते थे, क्या पार्थिव लगातार, और पूरी जिंदगी अपने भाई के बेटे को एक खिलाड़ी बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठना, कितनी ही ठंड क्यों ना हो स्कूटर पर उसको स्टेडियम तक ले जाना, वो खेले, उसको प्रोत्साहित करना, उसमें से एक पार्थिव पटेल पैदा होता है, पूरा परिवार लग जाता है, पूरा परिवार लग जाता है। आप में से मैं सबसे आग्रह करूंगा, कभी दीपा से मिलिए, एक खिलाड़ी के रूप में तो सारा हिंदुस्तान जानता है दीपा को, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इससे बढ़िया मैंने कोई मोटिवेटर नहीं देखा है। कभी सुनिए उसको, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी बात करती है नए सपनों की बातें करती है, नए उमंग की बात करती है, नए हौसले की चरितार्थ करने की बात करती है। ये हैं लोग, और ये हमारी युवा पीढ़ी के हीरो हैं। इनको लेकर के देश में खेल का माहौल बनाना है, देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, और पहली बार देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से खेल जगत का एक नया मॉडल गुजरात ने दिया है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर के, व्यापार जगत के मिलकर के हमारी नई पीढ़ी के लिए कैसा व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, इसका यह नमूना है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ओलंपिक के मैदानों में भारत की भी गूंज सुनाई देगी, और अधिक ताकत के साथ सुनाई देगी, और अधिक व्यापकता के साथ सुनाई देगी। दुनिया के छोटे छोटे देश भी ओलंपिक में सफलता के कारण सारे दुनिया में अपना नाम बना देते हैं, 125 करोड़ का हिंदुस्तान भी उन सपनों को पूरा कर सकता है, वो सामर्थ्य हमारे देश में है। अवसर चाहिए नौजवानों को, व्यवस्था चाहिए नौजवानों को, और परिवार से पूरा समर्थन चाहिए नौजवानों को। यही नौजवान हमारे देश के भविष्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई है। मैं भी देश में जहां जहां खिलाड़ियों से मिलूंगा, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप जरा इस व्यवस्था को देख के आइए, उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और क्या जोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें, खेल के मैदान की तरफ लोगों को आकर्षित कैसे करें।
वरना आज वीडियो गेम के पीछे हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मुझे खेल के मैदान में बच्चे चाहिए, खेल के मैदान में। और मैं कभी स्कूलों में जाता था, जब गुजरात में था तो मैं स्कूलों में जाता था, दो दो तीन तीन दिन लगातार जाता था और बच्चों को एक सवाल पूछता था कि दिन में कितनी बार तेरे शरीर में पसीना निकलता है, कितना दौड़ते हो, पैर चढ़ जाते हो कि नहीं चढ़ जाते हो, सीढ़ी कितने तेजी से चढ़ पाओगे। और कभी मुझे दुख होता था, बहुत सारे बच्चे कहते थे नहीं जी पसीना वसीना क्या होता है, स्कूल आते हैं सीधे ही घर चले जाते हैं और फिर कहीं बाहर जाते नहीं। ये बचपन हमारे लिए उज्ज्वलता की निशानी नहीं है। ये हम सबका दायित्व है कि हमारे परिवार के बच्चों को खेल के मैदान से जोड़े। साधनों के बिना भी खेल खेला जा सकता है। फुटबॉल, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्रिकेट में हमने अच्छा किया है, गर्व की बात है, करते रहना है, लेकिन फुटबॉल और हॉकी इसको हम भूल नहीं सकते। मेरा साथी भूतिया यहां बैठा है, इसने देश का नाम रोशन किया है फुटबॉल की दुनिया में। इस बार अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप इस बार भारत में होने जा रहा है। मैं दुनिया के खिलाड़ियों को इसलिए ला रहा हूं, मेरे देश के जवानों की इच्छा जगे। दुनिया भर के खिलाड़ी यहां आए और इसलिए ये हमारा काम है, हम आने वाले दिनों में क्रिकेट के सिवाय भी बहुत खेल है जिनमें भारत पोता अपनी महारत हासिल कर सकता है। शूटिंग के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में व्यक्त रूप से भारत के नौजवान अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा खेल की दुनिया में भी बेटियां बेटों को परास्त कर रही हैं। दोस्तों, बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, एक से बढ़कर के एक काम, हिंदुस्तान को गौरव दिलाने का काम हमारे देश की बेटियां कर रही हैं। अगर मेरे देश की बेटियों में यह सामर्थ्य है तो उससे बड़ी हमें प्रेरणा क्या चाहिए, इससे बड़ी प्रेरणा क्या चाहिए। आइए दोस्तों, देश भर के अंदर खेल जीवन का हिस्सा बनाने का एक अभियान चलाएं, व्यवस्थाएं विकसित करें, उद्योग जगत आगे आए, परिवार आगे आए, सरकारें आगे आए, समाज आगे आए और भारत खेल की दुनिया में भी अपना नाम रोशन करे। इसी एक कामना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है, नया हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है, यहां से जाने का मन न करे ऐसा माहौल है, लेकिन यहां से जाते ही रात को 12 बजे पार्लियामेंट में भारत के भाग्य के एक नई दिशा के द्वार वहां खुलने वाले हैं, तो मुझे यहां सीधा पार्लियामेंट पहुंचना है। लेकिन फिर भी जितना समय था आप सबके बीच बिताने का अवसर मिला, मैं इन खिलाड़ियों का हृदय से आभारी हूं कि आप लोग आए, क्योंकि सचमुच में हमारे शब्दों से आपके पसीने की ताकत बहुत है, आपकी मेहनत की ताकत बहुत है। आइए आगे आइए दोस्तों, ये लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इसमें ताजा ताजा नाम आपने सुना होगा श्रीकांत का। श्रीकांत जरा हाथ ऊपर करो। श्रीकांत अभी अभी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आया है। भाइयों बहनों, ये है हमारे देश की अमानत। हम सब खड़े होकर के तालियों की गूंज से इनका सम्मान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शक व प्रेरणादायी संबोधन के लिए। आप सब अतिथिगण, खेलवीर, आमंत्रितगण और नगरजनों का धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और आज के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच और खेल वीरों का फिर एक बार अभिवादन करें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। हिना सक्सेना को अनुमति दें। नमस्कार।